दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत के मित्र देश यानी कि रशिया द्वारा भारत को दिया गया एक बड़ा ऑफर जो कि चीन के लिए एक बड़ा झटका होगा। वहीं दूसरी खबर भारत की सीक्रेटली लॉन्च की गई सबमरीन को लेकर है, जिसकी खबर लगभग एक महीने बाद अब सामने आ रही है। इन दोनों ही खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली खबर रूस को लेकर है। दरअसल जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी हमारी डीआरडीओ की तरफ से एक नई मेन बैटल टैंक को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आर्मी की तरफ से भी अपनी T-72 टैंक को रिप्लेस करने के लिए फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल के लिए एक टेंडर निकाला गया था, जिसमें रशियन ओरिजिन टी अर्माटा टैंक के सेलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा बताया जा रहा था। पर अब रशिया की तरफ से भारत को एक और ऑफर दिया गया है। इसमें रशियन मीडिया की तरफ से बताया गया है कि रशिया की तरफ से भी भारत को अपने फ्यूचर मेन बैटल टैंक को डेवलप करने के लिए मदद करने का फैसला किया गया है, जिसमें रशिया भारत को अपने अर्माटा टैंक को बेस करके एक नई जनरेशन मेन बैटल टैंक को डेवलप करने में मदद करेगा। रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन के स्पोक पर्सन की तरफ से हाल ही में बताया गया है कि जब भारत और रशिया के बीच इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मिलिट्री एंड टेक्निकल कॉपरेशन को आयोजित किया गया था, तो उस दौरान रशिया की तरफ से भारत को काफी सारे ऑफर दिए गए थे, जिसमें रशिया भारत को टैंक से लेकर आर्मर व्हीकल को डेवलप करने में मदद करने वाला है। वहीं ये सभी रशियन ओरिजिन अर्माटा प्लेटफॉर्म को पेश करके भारत को ये ऑफर किए गए हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और T-19 टैंक को भारत और रशिया मिलकर बनाते हैं, ऐसे ही भारत अर्माटा टैंक के मॉडिफाइड वर्जन को यही मैन्युफैक्चर करे। भारत क्योंकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, शायद इसी वजह से रूस ने यह बड़ा ऑफर भारत को दिया है। अर्माटा प्लेटफॉर्म पर आधारित रूस का T-14 अर्माटा टैंक दुनिया का ऐसा पहला बैटल टैंक है जिसमें नेटवर्क काउंटरिंग वॉरफेयर वाले कॉन्सेप्ट को भी शामिल किया गया है। T-14 अर्माटा टैंक के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और उसकी खासियत आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में इसकी खासियतों को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर कितना खतरनाक टैंक है ये। दोस्तों T-14 अर्माटा एक ऐसा टैंक है जिसकी जैसी टेक्नोलॉजी अमेरिका तक के पास नहीं है। चीन के पास जहां हमसे कहीं ज्यादा टैंक मौजूद है, ऐसे में हमें जल्द ही टैंक की कमी को पूरा करना होगा, जिसके लिए भारत अपने भरोसेमंद दोस्त रूस की तरफ देख रहा है, क्योंकि रूस के पास दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक मौजूद है। T-14 अर्माटा दुनिया के सबसे भारी और मजबूत टैंक है। ये टैंक रूस के लिए इतना खास है कि इस टैंक को उसने किसी भी देश को बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन अब रूस ने इसी का प्रस्ताव भारत को दिया है। यह वॉर मशीन युद्ध के दौरान खुद से ऑपरेट करने में भी सक्षम है, मतलब कि एक तरह से ये दुनिया का पहला रोबोटिक टैंक है जो कि ऑटोमेटिक मोड पर भी दुश्मन को धूल चटा देगा। यहां तक कि चीनी मीडिया ने भी इसे दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक माना है। यह टैंक 5000 मीटर की दूरी पर खड़े टारगेट को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। इसकी मारक क्षमता 7000 से 8000 मीटर है। T-14 अर्माटा टैंक को 3 क्रू मेंबर द्वारा संचालित किया जाता है, जिनके लिए अंदर बैठने की सुविधा भी दी गई होती है। वहीं इस टैंक के आर्मर की मजबूती 900 mm होने से यह क्रू मेंबर को दुश्मन की मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों से भी बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकती है। T-14 अर्माटा टैंक की मैक्सिमम स्पीड 90 km/h है। वहीं रिवर्स मोड पर यह टैंक 500 km तक ट्रेवल कर सकता है। T-14 में 125 mm का मेन गन 45 राउंड गोला बारूद स्टोर करने में सक्षम है। इसका कैनन 32 राउंड गोला बारूद को ऑटोमेटिक लोड कर सकता है। इस टैंक का कॉम्बैट फायरिंग रेट 10 से 12 प्रति मिनट है, मतलब ये कि T-14 अर्माटा टैंक एक मिनट में 10 से 12 गोले दाग सकता है। इसके अलावा इस टैंक में 7.62 mm की रिमोट कंट्रोल मशीन गन भी है। यह टैंक हीट सेंसर, अफगैनिट एक्टिव डिफेंस सिस्टम, डायनेमिक डिफेंस सिस्टम, फायरिंग एमिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, कॉम्बैट C2 एंड नेविगेशन सिस्टम और एक्टिव काउंटर माइंड डिफेंस सिस्टम से ये लैस है। T-14 अर्माटा टैंक में 1200 हॉर्स पावर कूलिंग सिस्टम के साथ 12 सिलेंडर गैस टरबाइन सुपर चार्जर भी लगा है। इस टैंक का कुल वजन 48 टन है। यह टैंक भारत को चीन के ऊपर एक बड़ी बढ़त देता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ऑफर रूस हमें दे रहा है। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को यह डील करनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों कुछ मीडिया सोर्स के हवाले से एक खबर निकल कर आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत की अरिहंत क्लास की तीसरी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन S-4 को पिछले महीने नवंबर में सीक्रेटली लॉन्च कर दिया गया था। यह अरिहंत क्लास की तीसरी सबमरीन है और फिलहाल इसे S-4 के नाम से जाना जाता है। वहीं इससे पहले की जो दो सबमरीन है उसमें से एक INS अरिहंत है, जिसे 2016 में सर्विस में कमीशन कर दिया गया था। वहीं जो दूसरी सबमरीन है वो INS अरिहंत है, जिसने इसी साल अपने समुद्री परीक्षण को पूरा किया है और इसे भी अगले साल तक इंडियन नेवी में कमीशन किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में तीसरी सबमरीन S-4 का इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया जाना बहुत ही अच्छी खबर है। मैं आपको बता दूं कि जो ये तीसरी सबमरीन है वो अपनी पहली सबमरीन यानी कि INS अरिहंत के कंपैरिजन में और भी अधिक पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ आती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।